सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है अधिकतर आपने देखा होगा जो है रोल नंबर से सभी लोग जो है अपना मार्कशीट निकालते हैं, बट यहाँ पे जो है इस बार गवर्नमेंट ने जो है कुछ अलग करके दिखाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं नाम से जो है आप किसी का भी जो है रिजल्ट निकाल सकते हैं, वो भी upme.। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो है अपने क्लासमेट का जो है अंशिका जायसवाल का जो है हमने यहाँ पे नाम सर्च करके जो है रिजल्ट यहाँ पे निकाला है। सो यदि आप भी जो है निकालना चाहते हैं तो आप कैसे निकाल सकते हैं, आज के इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ। सो यहाँ पे दोस्त सिंपली आपको करना क्या है, सबसे पहले दोस्त जो है आपको यहाँ पे जो है गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। उसके बाद गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद जो है आपको सर्च बॉक्स में आपको यहाँ पे जाना है। सर्च बॉक्स में जाने के बाद जो है जो साइट यहाँ पे मैं आपको सर्च करके दिखा रहा हूँ यहीं पर आपको जाना है, क्योंकि यह जो है अभी इसी साल जो है यानी कि 2023 में जो है सरकार ने इसे लॉन्च किया है, ताकि हम लोग जो है पूरी तरह से नाम सर्च करके जो है वो निकाल सकते हैं। और यहाँ पे आपको बता दो आपके पास एडमिट कार्ड कोड होना चाहिए, जो स्कूल का कोड होता है वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप जो है नाम से सर्च करके जो है रिजल्ट निकाल पाएंगे। सॉरी यहाँ पे हमने इंटरनेट अपना ऑन नहीं किया था, इंटरनेट सबसे पहले हम ऑन करते हैं। इंटरनेट ऑन करने के बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं नो इंटरनेट आ रहा है, तो सिंपली हम अपना इंटरनेट ऑन होने देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनेट मेरा ऑन हो गया। उसके बाद जब आप upmsp करेंगे, बहुत सारे लोग इस वेबसाइट को जानते होंगे लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि यहाँ से नाम सर्च करके जो है रिजल्ट निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है हमने इंटरनेट ऑन किया है। उसके बाद जो है इस वेबसाइट के अंदर हमें जाना है, यानी कि जो है आप सबको इस वेबसाइट के अंदर आपको जाना है। तो उसके बाद यूपी बोर्ड का चाहे 10 का हो चाहे 12 का हो आप रिजल्ट जो है यहाँ से निकाल सकते हैं, वो भी नाम सर्च करके। तो इसी तरह का इंफॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें।